हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग अ ट्रेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे पता होगी। अगर आप यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में आप इन्हें फॉलो करके ही यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो फ्रेंड, पूरा मैं इंट्राडे का यहाँ पे निचोड़ बताने वाला हूँ। और आपका, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर है, इसको धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे यकीन मानिए कि 95% प्रोबेबिलिटी आपकी प्रॉफिट मेकिंग की यहाँ पे हो जाएगी, एंड 5% स्कोप आपका लॉस मेकिंग का यहाँ पे रहेगा, जो कि ऑलवेज यहाँ पे रहेगा। इसी को शेयर मार्केट कहते हैं, क्योंकि वी प्ले ऑन द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे 100% कुछ नहीं होता है, जो बोल देते हैं 99.9% सक्सेस रेट है, ऐसा कुछ नहीं होता। 5% हमेशा आपको यहाँ पे देके ही चलना पड़ता है। आप सही ट्रेड ले लेंगे, सब कुछ आपके एंट्री एग्जिट सब कुछ सही होगा, उसके बाद भी मार्केट आपको यहाँ पे लॉस दे देती है। तो 5% की प्रोबेबिलिटी तो लॉस की यहाँ पे रहती है, पर आप अपनी प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी यहाँ पे अप टू 95% इंक्रीज कर सकते हैं इन पॉइंट्स को फॉलो करके। तो फ्रेंड, जब कभी भी आप मॉर्निंग में ट्रेड अपने ट्रेडिंग सेटअप पे बैठते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आप माइंड में लेके बैठिए, लॉस कट ऑब्लिक डिसाइड लॉस। सबसे पहले आपको ये माइंड में डिसाइड करना है जब आप ट्रेडिंग सेटअप पे बैठते हैं कि आज के दिन में आपको कितना लॉस लेना है। फॉर एग्जांपल, 5000 में लॉस लूंगा यहाँ पे, एंड लॉस कट मीन्स जब वो 5000 आपका लॉस हो रहा है तो वहां पे लॉस कट करना ही है। ये फ्रेंड्स गांठ बांध लीजिए, लॉस कट करना ही है। अगर आप इस होप में यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहेंगे कि मार्केट रिवर्स करेगी दिस दैट, तो यहाँ पे कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इसकी पहले भी बहुत सारी वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ, डिटेल में चाहे तो लॉस कट के बारे में जाके देख सकते हैं। मार्केट कई बार रिवर्सल भी देगी, आपको लॉस हो रहा होगा फिर प्रॉफिट में आपके ला देगी और बड़ा प्रॉफिट भी करा देगी। पर जो रूल है हमें फॉलो करना है, 5000 का लॉस मीन्स 5000 का लॉस होने के बाद हमें एग्जिट लेना है, उसके बाद मार्केट चाहे आपको 50000 प्रॉफिट दे। रूल्स फॉलो करेंगे तभी यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बन सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा फ्रेंड, एक दिन 50000 का प्रॉफिट दे दिया, दूसरे दिन वो आपको 1.5 लाख नीचे तक भी यहाँ पे ड्रैग करके ले आएगी। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, फर्स्ट पॉइंट है लॉस कट ऑब्लिक डिसाइड लॉस, आपको करके ही यहाँ पे बैठना है। एक बार आपने लॉस कट और अपना लॉस डिसाइड कर लिया तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मार्केट में आता है कि आफ्टर प्रॉफिट उस करिए, पहली ट्रेड आपने ली तो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट आपका हो गया, तो उसके बाद आपको क्या रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा, आपने लॉस कट या अपने लॉस को डिसाइड करके यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट किया, उसके बाद आपको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, दोनों टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे। सपोज करिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, एक्स वाई जेड का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया फर्स्ट ट्रेड में ही, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट को आपको लॉस में कन्वर्ट यहाँ पे नहीं करना है। कैसे नहीं करना है वो मैं बताऊंगा आपको, उस प्रॉफिट को लॉस में नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसी तरीके से जो प्रॉफिट मार्केट ने आपको दे दिया है विद ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे वो छोटा हो या बड़े हो, उसको आप जब तक अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे और उसका लॉस यहाँ पे करके जाएंगे तो भी आप यहाँ पे कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ग्रीड कभी भी यहाँ पे खत्म नहीं होती, ग्रीड बढ़ती जाएगी। 5000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे आप सोचेंगे कि 10000 का प्रॉफिट करूंगा, 15000 का प्रॉफिट करूंगा, तो एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे 20000 रुपए दे के जाने वाले हैं। तो इस प्रॉफिट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाय द वे ऑफ पोजीशन साइजिंग यहाँ पे करनी होती है हमें। सपोज करिए 5000 का आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो देन सेकंड ट्रेड आप यहाँ पे
या तो 1500 के लॉस पे ले लीजिए, या ज्यादा लॉस आप बियर कर सकते हैं तो 2000 के लॉस पे ले लीजिए। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट पे हमने डिसाइड लॉस किया था, तो आफ्टर प्रॉफिट फिर से यही रोल आ जाता है, डिसाइड योर लॉस एंड लॉस कट। जैसे ही आपने सेकेंड ट्रेड ली, सपोज 2000 का लॉस यहाँ पे डिसाइड किया है, तो जैसे ही 2 का लॉस यहाँ पे होगा, एग्जिट दैट ट्रेड। चाहे फिर मैंने जैसे पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे रिपीट किया था, वो ट्रेड फिर आपकी कहीं पे भी जाती रहे, आपको वो ट्रेड एग्जिट कर लेना है, और उसके बाद 3000 का प्रॉफिट अपने घर पे यहाँ पे लेके जाना है। सपोज करिए उस ट्रेड में भी आपको 2000 का रिस्क लिया और 3-4 हजार का प्रॉफिट हो गया, तो इट इज वेल एंड गुड, आपका प्रॉफिट यहाँ पे 8-9 हजार हो गया। तो फिर आप चाहे तो प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर द डे यू हैव मेड द प्रॉफिट एंड यू कैन ट्रांसफर दैट प्रॉफिट इन योर अकाउंट। थर्ड ट्रेड के लिए अगर आप चाहते हैं तो जा सकते हैं, उसमें क्वांटिटी फिर और आप कम करके जाइए, अमाउंट और कम करके जाइए। पहले 2000 का रिस्क लिया था, नाउ वी विल टेक ओनली रिस्क ऑफ 1000 रुपीज का रिस्क वहां पे लेंगे, एंड सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो अगेन। अगर 1000 का लॉस हुआ तो वी विल एग्जिट द ट्रेड, अगर प्रॉफिट हुआ वहां पे देन इट इज फुल एंड फाइनल, टेक दैट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर इट इन योर अकाउंट। इस तरीके से फॉलो करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे यकीन मानिए कभी भी आपका लॉस नहीं होगा, लॉस रिकवर कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है, लॉस रिकवरी डिस्टर्ब इमोशनली एंड माइंडसेट, जो है आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। सपोज करिए प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे फ्रेंड कोशिश करिए प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट को लूज नहीं करना है, और हमें प्रॉफिट में ही वहां पे क्लोज करना है। लॉस अगर हो गया है तो इसमें हम इतना ही कर सकते हैं, उस लॉस को बड़ा नहीं करना है। हाँ, छोटा अगर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा उसे डेफिनेटली हम कर सकते हैं, छोटे लॉस में यहाँ पे क्लोज करने की हमें यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करनी है। सेवंथ, और इसमें बहुत सारे पॉइंट मैं एक साथ बता देता हूँ आपको, क्या क्या इंट्राडे में नहीं करना है। नो बिग मूव, किसी भी बड़ी मूव के चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये यहाँ से 100 पॉइंट जाएगा, 200 पॉइंट जाएगा। अगर आप वहाँ पे ट्रेड भी लेते हैं बिग मूव पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट आपका लॉस प्री डिफाइंड होना चाहिए कि इतना मैं लॉस बियर कर सकता हूँ और इस लॉस पे आते ही मैं वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिग मूव, होप ट्रेड, इन सब के चक्कर में यहाँ पे पड़ना ही नहीं है। होप ट्रेड में कि मार्केट 4 दिन से यहाँ पे गिर रही है, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, और बड़ी होप और बड़ी मूव के चक्कर में बड़ा यहाँ पे लॉस आप बियर करें, अननेसेसरी वहाँ पे बैठे नहीं रहना है ट्रेड में, एग्जिट वहाँ पे लेना ही लेना है। डबल ट्रिपल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी इन ऑर्डर टू मेक देयर मनी। डबल एंड ट्रिपल के चक्कर में ही यहाँ पे बड़े बड़े लॉस होते हैं। अग्रेसिव ट्रेड हमें नहीं करना है। नो इमोशनल ट्रेडिंग, नो इम्पेशेंस ट्रेडिंग। इम्पेशेंस मार्केट यहाँ पे फेवरेबल है ही नहीं, और पेशेंस लूज करके आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी एक लॉस का यहाँ पे मेजर कारण बनता है।